छत्तीसगढ़ के कोरिया में चिरमिरी क्षेत्र में अवैध कारोबार कोयला, लोहा, शराब, गांजा जिस प्रकार से अपना पैर पसारे हुए हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए शासन प्रशासन के साथ भाजपा चिरमिरी के मंडल अध्यक्ष रघुनंदन यादव अपने साथियों के साथ चिरमिरी थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया और वहीं मीडिया को बताया कि 7 दिन के अंदर अवैध कार्यों पर रोक नहीं लगती है, वहीं भाजपा आंदोलन के साथ थाना का घेराव करेगी। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी चिरमिरी मंडल के और जिला के जो भी पदाधिकारी हैं सभी लोग आज थाना में आकर चिरमिरी में चल रहे अवैध कारोबार जैसे कोयला है, लोहा है, गांजा, भांग, सट्टा है, इस सब को लेकर ज्ञापन दिए हैं और मैं थाना प्रभारी से निवेदन किया हूँ कि आप इस सब को अति शीघ्र बंद करवाएं, नहीं तो हम लोग एक सप्ताह के बाद धरना प्रदर्शन। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष में जो भूमिका है उस विपक्ष की भूमिका को बहुत बेहतरीन तरीके से भाजपा निभाएगी और जब तक कबाड़ बंद नहीं हो जाता, चोरी कबाड़ की जो चोरी है, कोयला चोरी है और यहाँ पर दारू की बिक्री भी है, तो जितने अवैध कारोबार चल रहे हैं, धल्लड़े से चल रहे हैं।